नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का रण आज खत्म हो गया, हालांकि परिणाम अभी आने बाकी है। आगामी 8 दिसंबर को यहां परिणाम आएंगे और साफ हो जाएगा कि मैनपुरी, रामपुर, खतौली का रण किसके खाते में गया है। क्योंकि तीनों जगह अगर हम बात करें तो बहुत संघर्ष रहा, दोनों पार्टियों के पुरोधाओं ने, दोनों पार्टियों के मजबूत केंद्र बिंदुओं ने यहाँ पर चुनाव में मेहनत की और मेहनत इस कदर कि घर घर गए। हालांकि घर घर गए वाली जो व्यवस्था है वो और अन्य चुनावों में यहाँ सपा द्वारा नहीं हो पाई थी, पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा। बीजेपी तो हर समय चुनावी मोड में रहती है और वहाँ पर चुनावी गतिविधियाँ समय समय चलती रहती है और हर चुनाव को पहले से तैयारी करके रहते हैं। उनके लिए कोई चुनाव नया नहीं है, हर एक सीट उनके लिए मूल्यवान है और हर सीट पर उसी हिसाब से संगठन की रणनीति के हिसाब से काम होता है और यहाँ पर भी उसी हिसाब से रणनीति बनाई गई, उसी हिसाब से टिकट वितरण किया गया, उसी हिसाब से यहाँ पर चुनाव लड़ा गया। हालांकि इस चुनाव में भी तमाम तरह की चीज़ें रही, आरोप प्रत्यारोप के दौर रहे। आरोप प्रत्यारोप के दौर के अलावा यहाँ शिकायतों का दौर भी रहा कि यहाँ पर चुनाव आयोग से शिकायत की गई कि बीजेपी यहाँ पर सत्ता का लाभ उठा रही, तो वहीं बीजेपी ने कहा कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी अराजकता के माध्यम से यहाँ पर वोट को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रही है। खैर, चुनाव है, वहाँ चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन तो नई बात नहीं है। हमारे देश में व्यवस्था बन चुकी है कि यहाँ जब भी चुनाव होता है तो आचार संहिता का उल्लंघन होता रहता है और लोगों पर लोक अधिनियम के मुकदमे दर्ज होते रहते हैं। ये तो व्यवस्थाओं में शामिल हो गया हमारे देश की। पर इस तरह चुनाव हुआ और दोनों जगह, तीनों जगह वोटिंग का जो प्रतिशत है वो भी आ गया कि अगर हम रामपुर की बात करें तो सबसे जो खराब वोट प्रतिशत वहाँ का रहा है वो रहा है 31.12%। कारण क्या है पता नहीं, 31.12% वोट बैंक रहा, वोटिंग हुई क्यों हुई कारण पता नहीं। इसके अलावा अगर हम मैनपुरी की बात करें तो वहाँ लगभग 51.18% के लगभग वहाँ पर वोट परसेंटेज रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें खतौली की तो वहाँ पर भी लगभग 54% के लगभग वहाँ पर वोटिंग हुई है। यानी वोटिंग तीनों जगह हुई पर सबसे खराब वोटिंग हुई है वो हुई है रामपुर में। कारण क्या रहा, मजबूरी क्या रही कि लोग वोट करने नहीं निकले, कि लोकतंत्र की लोगों का इस लोकतंत्र के महापर्व से अब विश्वास हट गया है, कारण क्या रहा। इसके अलावा समय समय पर इसके लिए चुनाव आयोग के चक्कर भी काटे गए, शिकायती पत्र भी जारी किए गए और ज्ञापन भी दिया गया चुनावी आयोग को, समय समय पर बात है। और यहाँ तीनों जगह ऐसी स्थिति बनी रही। कुछ बयान सुनते हैं फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम लगातार बता रहे हैं कि जो मैनपुरी का लोकसभा का उपचुनाव है और रामपुर और खतौली में जो विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके कार्यकर्ता लोगों को धमका रहे हैं और अनफेयर तरीके से वो तमाम तरह की ऐसी गतिविधियों को में शामिल हैं उनके नेता, जिससे निष्पक्ष चुनाव ना हो सके। सर, हमने मांग की है निर्वाचन आयोग से कि वो तत्काल हस्तक्षेप करें, चूँकि वहाँ पर मतदान वो करने में व्यवधान कर रहे हैं, मतदाताओं के ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं, बूथ पर नहीं जाने दे रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं भाजपा के लोग, सत्ता का ये दुरुपयोग है। जनता का मन है कि समाजवादी पार्टी को वोट दें और केंद्र और प्रदेश सरकार पर अंकुश लगाने का काम करें। जनता के जो मुद्दे हैं उस पर जनता चाहती है हम लोगों को जाना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बेमानी धांधली करके, प्रशासनिक दमनात्मक कार्रवाई करके चुनाव जीतना चाहती है। अब जो है हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, मिलने आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन अधिकारी चुनाव अधिकारी की बात नहीं सुन रहे हैं। यहाँ पर है और मुद्दा यही है कि रामपुर में इतनी कम वोटिंग क्यों हुई, कारण क्या है, व्यवस्था क्या है, या जो तरह के आरोप लगाए गए वो सत्य हैं। अब आरोप सत्य हैं या असत्य हैं वो तो जनता भी जानती है और शायद जो वहाँ के लोग हैं वो भी जानते हैं। खैर, मैं अपने विषय है वो हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपको रूबरू करा दूँ। यहाँ पर नेता भाजपा से सबर भाई अपना पक्ष रखेंगे, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में यहाँ पर पवन श्रीवास्तव भाई अपना पक्ष रखेंगे और प्रवक्ता कांग्रेस के रूप में यहाँ पर वर्चस्व पांडे भाई अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। बाकी मेहमान भी थोड़ी देर बाद हमसे रूबरू होने वाले हैं, आपसे उनका पर्चा कराएंगे। तो यहाँ पर सबर भाई, यहाँ पर वोटिंग मैनपुरी में ठीक रही और खतौली में ठीक रही, ये रामपुर में क्या हो गया? सपा वाले बोल रहे हैं कि आप लोग लोगों को निकलने नहीं दिया घर से, ऐसा आरोप लगा रहे हैं, तभी वोटिंग कम हुई है।
गौरव जी, मैं सभी को नमस्कार करता हूं, अपने मेहमानों को जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, और आपको भी और आपके चैनल के माध्यम से इस प्रदेश की जनता को भी। जी। आरोप लगाना विपक्षियों का धर्म है जी, क्योंकि अगर ये विपक्ष में है तो कहीं ना कहीं इनकी कमी रही होगी जो जनता ने इन्हें सत्ता से बाहर कर दिया जी। रही बात वोटिंग की, तो कथौली में 54% है, मैनपुरी में 51% है और रामपुर में 31% जी। ये 31% की वोटिंग जो आरोप लगा रहे हैं कि हमने वोट नहीं डालने दिया, क्योंकि दबंगई के लिए तो समाजवादी पार्टी के इसके नाम से जानी जाती है। अच्छा, कि दबंग पार्टी और दबंग नेता, दबंग कार्यकर्ता। सपा वाले आप पे आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप हमारा कार्यकर्ता कौन सा दबंग है आप बताइए, किसी एक का नाम बता दीजिए कि ये दबंग की गिनती में आते हैं। अच्छा, या किसी सूची में दिखा दीजिए कि ये दबंगई में कार्यकर्ता। विनम्र है, विनम्र हैं और शालीनता से काम करते हैं, उनको मालूम है कि जनता हमारे साथ है और इनको नकार चुकी है। और जो सबसे बड़ी बात, जो कम वोटिंग की बात आप कर रहे हैं, ये आजम खां की गिरती हुई लोकप्रियता। अच्छा, तो मुसलमानों ने इनको नकार दिया है। अच्छा, और बाकी जो वोट पड़ा है आप देख रहे हैं, वहां पर 65% मुस्लिम है जो घर से बाहर नहीं निकला, क्योंकि वो नहीं चाहता कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी वहां जीते। और जो भी वोट पड़े हैं 31%, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़े हैं। और जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर आने वाली है। अच्छा, ठीक है। वर्चस्व पांडे जी, भाई आप चुनाव तो लड़े नहीं, पर मेरे ख्याल से अंदरूनी बाकोबर यहाँ सपा को जरूर दे दिया गया था, चर्चाएं तो ऐसी चल रही हैं भाई, पुरानी मित्रता तो है, और साथ ही साथ यहाँ पर अगर एक पार्टी बीजेपी को टक्कर दे रही है तो मेरे ख्याल से सारा जो विपक्ष है उसी को एक अंदरूनी रूप से यानी समर्थन दे देता है। पर कैसे देखते हैं, जिस तरह से वोटिंग हुई है रामपुर, खतौली, मैनपुरी में, रामपुर की वोटिंग पर प्रश्न चिन्ह है। वोटिंग कम हुई, फिर परिणाम कैसे आएंगे, परिणाम किसके पक्ष में आएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। और ये तीनों गढ़ किसके खाते में जाने वाले हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। जहाँ तक रही बात खतौली में वोटिंग के ऊपर, मैं आपका विशेष ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कि वहाँ पर एक मुस्लिम मतदाता वोट डालने जाते हैं और सीओ साहब उनको रोक देते हैं। अच्छा, जबकि वह उसके लिए अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारी डिटेल दिखाते, उसके बाद भी उनको वोट नहीं डालने दिया जाता। इसका वीडियो न्यूज में बहुत ही तेजी से चल रहा है, आप उसको दिखाइएगा जरूर इन लोगों को जी। और जो यह चुनाव हुआ है, इस चुनाव में अभी कुछ दिन पहले आदरणीय नेताजी कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव जी का निधन हुआ था, उसके बाद यह चुनाव हुआ है, तो हम सभी लोग उनके सम्मान में मैनपुरी की सीट को छोड़े हैं। अच्छा। और बाकी जगहों पे भी चाहते हैं कि उनके सम्मान में सीट को छोड़ा गया, और हम चाहते हैं कि एक बार वहाँ पे भाजपा का कमल उखाड़ के फेंक दिया जाए। अच्छा, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाएंगे वर्चस्व जी? दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के नहीं चला रहे हम लोग, एक सम्मान के तौर पर मुलायम सिंह यादव जी के सम्मान में सीट को छोड़ दिया। की जनता जो आदरणीय नेताजी का सम्मान जो करेगी, वो कमल के फूल पर मोहर लगाकर करेगी, ये आप देखेंगे 8 तारीख को। नेताजी का कमल के फूल से किस तरीके से कनेक्शन है, ये हमारे मित्र भाजपा के मित्र नेताजी का कनेक्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उनके सम्मान की बात कर रहा हूँ। तो उनका सम्मान वहाँ पे जिस प्रकार से, उस प्रकार का सम्मान कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से कर दिया है। अच्छा, नेताजी सम्मान में आपने वहाँ प्रत्याशी नहीं उतारा जी? अच्छा, ठीक है। कि ये वजह थी, हार भी सकते हैं, ये वजह तो नहीं थी? देखिए, अभी तो जहाँ तक कुछ दिन पहले जब चुनाव बीता तो हम उसमें बहुत बुरी तरीके से हारे, इस बात को एक्सेप्ट करने में हमें कोई गुरेज नहीं है। जरूर हमने चुनाव हारा, तो हम संगठन के तौर पर और अपने आप को जमीनी स्तर पर मजबूत बना रहे, तो छोटे छोटे चुनाव को अभी हम इसीलिए छोड़ रहे हैं कि हम आने वाले लोकसभा चुनाव में मजबूती के साथ लड़े और केंद्र में सरकार बनाए। निकाय चुनाव भी छोड़ देंगे? नहीं, निकाय चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूती से लड़ रहे हैं, और निकाय चुनाव में आप देखेंगे कांग्रेस की सीट बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस पार्टी। कौन सा छोटा चुनाव छोड़ दिया आपने वर्चस्व भाई? जैसे ये आपके जितने भी ये चुनाव हुए हैं। अच्छा, उपचुनाव? उपचुनाव छोटे चुनाव कहा हुए भैया, तक घमासान जारी है पूरे देश, घमासान जहाँ पे जारी है जो हमारा सपोर्ट हो सकता है, जहाँ पे उस घमासान में हमारा सपोर्ट हो सकता है, उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर राहुल गांधी तरफ भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जन समर्थन जुटा रहे हैं, तो भाई वर्चस्व भाई बोल रहे हैं कि छोटे चुनाव को हम नहीं लड़ रहे। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, जब हमारा लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र की हत्या सरेआम की जा रही है, चुनाव आयोग को तार तार कर दिया जा रहा है, नियुक्तियां चुनाव आयोग की किस प्रकार से हो रही है आप यह देख रहे हैं, उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी द्वारा उल्लंघन करने पर भी, चुनाव कि नियमों का उल्लंघन करने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, और बाकी अदर पार्टी के नेता उल्लंघन नहीं करते, जबरदस्ती उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, तो उसी लोकतंत्र को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली। जो ये आचार संहिता का उल्लंघन होता है, पहली बार हो रहा है देश में?
जब से भारतीय जनता पार्टी आई है। अच्छा। पहले भी इसका काम रहा है चुनाव के इन नियमों का उल्लंघन करना और अच्छा। आगे भी करते रहेगा। जब से मोदी और अमित शाह अच्छा ये जो डबल इंजन की जो जोड़ी आई है ये उल्लंघन करने के लिए ही आई है, क्योंकि ये लोग गुंडागर्दी करते हैं। अच्छा, गुंडागर्दी करते हैं। सपा भाई बोले हम लोग बड़े विनम्र हैं, आप गुंडागर्दी बोल रहे हो। वो कह रहे सपा वाले गुंडागर्दी करते हैं, आप उनको गुंडागर्दी बोल रहे हो। देखिए अब ये, अब गुंडा गुंडों की पहचान ज्यादा करता तो इनको ज्यादा अच्छे से गुंडागर्दी की बात नहीं है। बात ये है, सब हताशा है। इनके राजकुमार को पैदल चलना पड़ रहा है, जो कभी एयर कंडीशन से बाहर नहीं आते थे। और ये भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, भारत तोड़ो यात्रा है। कांग्रेस का काम ही रहा भारत तोड़ो। कांग्रेस के ही दौर में भारत के टुकड़े हुए, ये इसको भुला नहीं सकते। और कांग्रेस के दौर में जब आजादी के समय 15 लाख लोग ऑन रिकॉर्ड मरे, उसके बाद भारत में जितने दंगे हुए, भागलपुर, मलियाना, मेरठ, मुरादाबाद, कौन से दंगे गिनाए हम आपको? गोधरा, देखिए भारत, भागलपुर, मलियाना, मेरठ, मुरादाबाद, गोधरा का भी अगर कार्ड बताना शुरू करेंगे तो उसमें भी कांग्रेस के लोग हैं, उसमें भी कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उसमें नाम आया था, शायद आपकी जानकारी नहीं, जाइए जाकर के फाइल निकलवाइए। उसमें कांग्रेस का जिला अध्यक्ष मुरादाबाद में कांग्रेस की मुरादाबाद में कांग्रेस की सरकार ने ईद के दिन आपने गोलियां चलाई मुसलमानों के ऊपर। संगीत सोम की क्या बात करेंगे आप बताइए मुझको, आप बताइए मुरादाबाद में ईदगाह पे जब गोलियां चली थी किसका नेता नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मुरादाबाद में ईद के दिन आपने ईदगाह पर गोलियां चलवाई, मुसलमानों के ऊपर आपने गोलियां बड़ी जिम्मेदारी से पूछ रहा हूँ, भागलपुर, मलियाना, मेरठ, मुरादाबाद में दंगे में किसकी सरकार थी? आप मुझे जवाब दीजिए, भागलपुर, मलियाना, मेरठ, मुरादाबाद के दंगों में किसकी सरकार थी? एक बार जवाब दे दीजिए, भागलपुर, मलियाना, मेरठ, मुरादाबाद, भागलपुर, मलियाना, मेरठ, मुरादाबाद, भागलपुर, मलियाना, ठीक है ठीक है, भाजपा के नेता किसकी सरकार थी? बता तो रहा हूँ, भाजपा के नेता मुरादाबाद में ईदगाह में किसकी गोलियां चलवाई? मुरादाबाद में, मुरादाबाद में भाजपा के नेता, भाजपा के, मुरादाबाद में, मुरादाबाद के नेता। अरे भाई ये कौन सी बात है, वो बता रहा है भाजपा के नेता बोल रहा है, जवाब दीजिए, नाम बताइए नेता का, भाजपा के नेता भाई, भागलपुर, मलियाना, मेरठ से भाजपा बदल नहीं जाएगी, जंगम दंगा हुआ किसकी सरकार थी? लाने से भाजपा का इन्वॉल्वमेंट खत्म नहीं हो जाएगा। 40 मुसलमानों पर नौजवानों पर गोलियां चलाकर उनके उनको नदी में फेंकने का किसने काम किया, किसकी सरकार थी? आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। कांग्रेस हत्यारिन सरकार है, कांग्रेस हत्यारिन है, इसीलिए देश की जनता ने निकाल कर बाहर कर दिया और आपके राजकुमार को सड़कों पर टहलना पड़ रहा है। यह भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत तोड़ो यात्रा है। अच्छा ठीक है, जब देश भारत तोड़ो यात्रा, 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 भारत तोड़ो की बात कर रहे हैं ये लोग, कांग्रेस भारत तोड़ो यात्रा, क्या भारत तोड़ो यात्रा चल रही है, भारत नहीं टूट सकता, तोड़ने का काम जवाहरलाल नेहरू ने किया, भारत तोड़ने का काम एक रहेगा, एक राजकुमार कर रहा है, आप पर राजकुमार कर रहा है, तोड़ने से भारत टूट सकता है, तोड़ने का काम तो आप करते हैं। अरे भाई तोड़ने का मोदी ने किया है, भारत के टुकड़े किसने किए, भारत के टुकड़े किसने किए, भारत के टुकड़े किसकी सरकार में हुए, देश की आजादी के बाद पाकिस्तान किसने बनवाया? जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के समय 15 लाख लोगों का हत्यारा, 15 लाख लोगों का हत्यारा जवाहरलाल नेहरू, 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 भागलपुर, मलियाना, मेरठ, कांग्रेस, भागलपुर, मलियाना, मेरठ, कांग्रेस, मुरादाबाद में ईदगाह पर मुसलमानों पर नमाज पढ़ते हुए गोलियां चलवाई गई, ये उसका जवाब मिल रहा है। आज आपको उत्तर प्रदेश में 2 सीटें हैं, कुछ दिन के बाद चिड़ियाघर में बैठाया जाएगा इन दोनों विभाग को, विधायकों को, और टिकट लेकर देखने का काम किया जाएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। जैसे भाजपा के 100 विधायक कुछ दिन पहले चिड़ियाघर में बैठा करके टिकट लेकर के देखने का काम किया गया है, तो ये काम तो समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं, 100 विधायक लाओ मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये काम समाजवादी पार्टी का है, आप भी सहयोगी कर रहे हैं क्या? पैसा फाइनेंस करने का काम आप कर रहे हैं सपा को, पैसा तो इस समय 100 विधायक तोड़ने की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, 100 विधायक लाएंगे, अरे जवाब आप क्या देंगे, मेरी बात का जवाब दीजिए, 100 विधायक लाओ मुख्यमंत्री बनो, पैसा फाइनेंस कांग्रेस कर रही है,
अरे वर्चस्व पांडे जी बताइए, जवाब लीजिए, वर्चस्व पांडे जी बताइए, जवाब नहीं चाहिए। अखिलेश यादव ने बयान दिया कि 100 विधायक लाओ मुख्यमंत्री बनाएंगे, पैसा आप फाइनेंस कर रहे हो क्या? जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे जवाब चाहिए, आप बोलिए, एकदम जवाब, आप बोलिए, जवाब दीजिए, जवाब लीजिए। विधायक खरीदने का काम पैसा आप दे रहे हो? जिस प्रकार से पूरे देश में देखा जा रहा है कि देश तोड़ो, विधायक तोड़ो और सरकार बनाओ नीति भाजपा अपना रही है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। किस प्रकार से असम के रिजॉर्ट में ले जा करके रंगरलिया मनाई जा रही है और फिर विधायकों का वीडियो बना बना के उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, किस प्रकार से किया जा रहा है? कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है, बना रहे हैं जी, एकदम एकदम सारे सभी लोग की वीडियो बना बना करके पैसा दे दे करके अच्छा लोग को क्योंकि खरीदा जा रहा है। ठीक है, चले ठीक है, साल से रंगलिया ही तो बनाई है इस देश में। चले ठीक है, नितिन भाई जो सपा से, नितिन भाई वही यहाँ पर मैनपुरी रामपुर खतौली में मैनपुर चुनाव लंबा संघर्ष रहा और खूब जद्दोजहद हुई, साथ ही साथ यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप के दौर भी रहे और शिकायती पत्र भी जारी हुए। खतौली और मैनपुरी छोड़ दे तो रामपुर में जो वोटिंग हुई है उसके प्रतिशत से यहाँ पर संशय आ रहा है। ये वोटिंग हुई है ये आपके लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह? वो वोटिंग कम क्यों हुई है, इसका क्या कारण है? नितिन भाई कैसे देखते हैं ये तीनों गढ़ अब किसके खाते में जाएंगे और किस तरह जाएंगे? ये वोटिंग यहाँ पर एक जगह की वोटिंग संशय के घेरे में है, कारण क्या है? देखिए, रामपुर की जो वोटिंग कम होने का कारण है, आज मैं दोपहर में 1 बजे तक था, मेरे पास जो वीडियो आया उसको जो मैंने देखा और जो रिजल्ट सामने आ रहा था बड़ा शर्मिंदा करने वाला था। उससे एक बात आ गई कि जो अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को लेकर के टिप्पणी की थी और पूर्व चुनाव आयुक्त TN सेशन का जिक्र करते हुए कहा था, और वो बात आज देखने को मिली कि पुलिस प्रशासन के लोग जो कुछ संपदा विशेष के लोगों के मोहल्ले थे वहां पर 100-100 की तादाद में पुलिस के सिपाही खड़े हैं, 4-4 दरोगाओं को लेकर के, और उस मोहल्ले से गली से जो निकलने वाली रास्ते थे वहीं पर लग गए थे, पोलिंग सेंटर को जाने वाले जो रास्ते थे, और ये कहा गया कि वापस चले जाओ, वोट डालने जाओगे तो पिटाई भी होगी और जेल भी जाओगे, मुकदमे भी दर्ज किए जाएंगे। ये पहली बार देखने को आया कि इस तरीके की जो चीजें हुई हैं ये एक, इसको सरकार की मैं असफलता भी कहूंगा कि इतना कम 30% मतदान होना ये सरकार की असफलता है। हम लोग आम चुनाव में देखते रहे हैं कि सरकार के स्तर पर, चुनाव आयोग के स्तर पर ये मतदान करने के लिए प्रेरित किया जाता था और लोगों को जनजागरण किया जाता था, मतदान हमारा अधिकार है, प्रशासन कहता था मतदान का प्रयोग करिए, लेकिन जिस तरीके से इस बार की जो घटना देखने को मिली इसको मैं सरकार की असफलता कहता हूँ कि सरकार के लोग अगर जिस तरीके से लोगों को विश्वास नहीं दिला पाए कि आप मतदान करने जाएंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, आपके साथ कोई हमला नहीं होगा, आपकी पिटाई नहीं होगी, आप जेल नहीं भेजे जाएंगे, ये खौफ जो देखने को मिला ये सरकार की पूरी तरीके से तानाशाही और गुंडागर्दी का एक जीता जागता नमूना है। ये इतिहास में उपचुनाव में पहली बार 30% का मतदान होना ये सरकार की असफलता और सरकार की तानाशाही गुंडागर्दी और चुनाव आयोग एक सरकार के मंत्रालय की तरीके जिस तरीके से काम कर रहा है यह सबसे ज्यादा निंदनीय रहा, और वर्ग विशेष के लोगों को जिस तरीके से चवरिया छुट्टी पे भेजा जाने का यहाँ तक फोर्ट कर दिया। आप भाई कौन वर्ग विशेष है? गौरव जी, आप आपको सब पता है कि इस बार फोर्स का वर्गीकरण कर दिया गया, और फोर्स में खास तौर पर मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि जो यादव बिरादरी के थानेदार पुलिस के सिपाही थे उनको जबरदस्ती छुट्टी में भेजने का काम किया गया, इससे ज्यादा निंदनीय और घृणित कार्य हो नहीं सकता है। इस पे निष्पक्ष चुनाव आयोग अगर काम करता तो मुझे लगता है कि ये जो अलग कलंक लगा चुनाव आयोग की गरिमा धूमिल हुई है ये नहीं होना चाहिए था, और ये सरकार की असफलता है। दूसरा रही बात मैनपुरी, आपने पूरे पूरे चुनाव में आप लोग क्योंकि भी जो रिपोर्टर है ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट कर रहे थे, आपने देखा कि किस तरीके से, लेकिन इसके बावजूद मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने कार्यकर्ताओं को जिन्होंने अपना उत्साह दिखाया, बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सा लिया और सरकार की साजिशों को नाकाम करते हुए पोलिंग सेंटरों पर पहुंचे और अपने मत का प्रयोग किया। आपने 2 दिन पहले देखा कि हमारे मैनपुरी के चुनाव में हमारे ब्लॉक प्रमुखों को पुलिस ने किस तरीके से धमका करके और उठाने का काम किया,
जब कार्यकर्ता थाने पहुंचे, थाने का घेराव किया और तब उसको छोड़ा गया, इसका मतलब वो कोई अपराधी नहीं थे। आपकी मंशा थी कि जबरिया हमारे प्रमुख प्रमुख नेताओं को उठाकर थाने में बैठा दें, 24 घंटे 48 घंटे बैठा के रखेंगे, जिससे कार्यकर्ता हताश और निराश हो जाए। लेकिन इनकी हताशा और निराशा जो पुलिस के दम पर कराना चाहते थे, हमारे कार्यकर्ताओं ने मजबूती के साथ डटकर इनके शोषण अत्याचार का मुकाबला किया। होने वाला है हमारे कार्यकर्ताओं ने रामपुर मैनपुरी खतौली में क्या होने वाला, रामपुर में क्या होगा भाई, वोटिंग कम हुई है अगर हम सारे चुनाव जीतने जा रहे हैं। अच्छा, रामपुर जीत जाएंगे, बिल्कुल जीतेंगे। अच्छा, जो मत निश्चित रूप से प्रशासन चाहे जितनी ताकत लगा दे। अच्छा। लेकिन जो लोग भी मतदान, यानी आप कहना है प्रशासन चुनाव जितवाएगा, ये वो निश्चित रूप जी आपको कहना है कि प्रशासन जो है वो आपके खिलाफ लड़ रहा था, बीजेपी लड़ रही थी। बीजेपी कहीं नहीं लड़ रही थी, सरकार लड़ रही थी, सरकार लड़ रही पूरा का पूरा ये चुनाव। हाँ। भारतीय जनता पार्टी लड़ नहीं रही थी। अच्छा। ये सरकार चुनाव लड़ रही थी, पहली बार ऐसा लड़ रहा है कि चुनाव आयोग लड़ रहा था आपसे। मैंने क्या कहा कि पिछले दो तीन दिनों की घटनाओं को देखते हुए जिस तरीके के परिणाम आए, अब तो सुप्रीम कोर्ट की उस चार एक सप्ताह पूर्व जो की गई टिप्पणी पर मुहर लग गई कि चुनाव आयोग पंग हो गया, सरकार के एक मंत्रालय चुनाव व्यवस्था मंत्रालय के तरीके का काम कर रहा है। ठीक है इधर भाई, सरकार बताइए कि जब जी बोले इधर भाई बोले, हाँ उनका काम है बोलना, बोले 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 मैं बोल नहीं रहा, मैं इनके सामने कहाँ बोल सकता हूँ। अच्छा, हम तो सिर्फ इतना सा सवाल पूछ रहे थे नितिन भाई, बोलिए कि आजम खान बाबर, क्या उनका वर्चस्व खत्म हो गया रामपुर से? ए, बाबर कौन सी बात है, ये उपनाम है बाबर, क्योंकि ये आपके लिए होंगे बाबर, हमारे लिए तो आजम खान है, तो बाबर होगा वो। अच्छा, आजम खान बाबर, इनका वर्चस्व खत्म हो गया क्या रामपुर से? ये तो पता चलेगा घंटा बजाने वालों का वर्चस्व कहां पर है, चुनाव के बाद पता चलेगा घंटा बजाने वालों की स्थिति क्या है। चुनाव के बाद तो बहुत कुछ पता चलने वाला है, अभी आप बताइए, तीनों सीटें हार रहे हैं। मैं तो बता रहा हूं कि रामपुर में आजम खान बाबर का वर्चस्व खत्म हो गया क्या? फिर बाबर बोला आपने भाई, ये बाबर थोड़ी आजम खान बाबर का वर्चस्व रामपुर में खत्म हो गया क्या, जो इतनी वोटिंग कम हुई? ये तो बाद में पता चलेगा, बाद में क्या पता, बाद में तो गंजेड़ी रहेगा कि नहीं रहेंगे, आप जमाना सब तोड़ रही है ये बाद में पता चलेगा कि योगी आपके हताशा है, आपके मुख्यमंत्री, आपके जो है औरंगजेब की हताशा है, बता रहा है 100 विधायक लाओ हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, कांग्रेस के लोग आपको पैसा दे रहे हैं विधायक खरीदने के लिए। लो ये कौन सी बात है, ये अभी इनके प्रवक्ता ने बताया, ये बताइए ये सरफरा आजम खान बाबर का वर्चस्व खत्म हो गया क्या रामपुर से? चलेगा आप इसका जवाब दे दीजिए, आजम खान बाबर भारी पड़े कि आजम खान बाबर का वर्चस्व खत्म हो गया और मैनपुरी में आपने मुस्लिम सम्मेलन कराया था, आपको पता, मैं भी बता रहा हूं, आपने मुसलमानों का सम्मेलन मैनपुरी में कराया था या मुस्लिम के दरवाजे पे वोट मांगने गए थे? पसमांदा का सम्मेलन कराया था, आप बताइए, आपने पसमांदा का सम्मेलन कराया था? हमने कराया पसमांदा सम्मेलन, पूरे देश में कराएंगे या फिर कराएंगे? आपने मुसलमानों का सम्मेलन कराया, कोई रोक लगेगा? आप बताइए, डिंपल जी के नामांकन में कोई मुसलमान साथ में क्यों नहीं था? उसका जवाब नहीं दे रहे, मुसलमान आपको छोड़ चुका, आपकी जमाना रघुराज साहब के नामांकन तीनों जगह आपकी जमाना जब्त हो रही है, अब आप आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, आरोप लगा रहे हैं प्रशासन पर, आरोप लगा रहे हैं पुलिस पर, और आपने कबूल दिया कि अगर यादव इंस्पेक्टर होते तो हम बिल्कुल एकदम काम लगा देते, क्योंकि जब आपकी सरकार रहती थी तो कोतवाल यादव होता था और एसपी जो है वो उससे सुबह सलाम करने जाता था आपकी सरकार में, यही कहना चाहते हैं ना आप? ये सफात हुसैन, ये सफात हुसैन नहीं, आप जवाब दीजिए, सरकार किसी की हो, सपा की 12 से 17 तक सरकार थी, पहली बार इतिहास हुआ है तो थाने में यादव इंस्पेक्टर हुआ करता था और मुसलमानों को उठाकर बंद करता था, उनका उत्पीड़न करता था, ये भारतीय जनता पार्टी उनसे चौकसी करवाता था, चरित्र यादव कोतवाल होता था और चौकसी करवाता था, बताइए जवाब दीजिए, सवाल सुन लीजिए, जवाब दीजिए, अरे सुनना के बहुत सुना चुके, जमाना जब्त होने वाली तीनों जगह, बताइए रामपुर में 31% वोटिंग हुई है, जमानत तो भारतीय जनता पार्टी की, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक बात का जवाब दीजिए, जनता आपको सुनना चाह रही है, गुजरात आजम खान बाबर का वर्चस्व खत्म हो गया, जनता पार्टी का आजम खान बाबर का वर्चस्व रामपुर से खत्म हो गया क्या? बस सुनिए, योगी आदित्यनाथ गंजेड़ी का वर्चस्व पता चलेगा भाई, ये कौन सी बात है भाई, योगी आदित्यनाथ गंजेड़ी आप मुख्यमंत्री के लिए आप अंगेड़ी बता रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती, आपके खिलाफ मुकदमा करूंगा मैं,
से सुबह आपके खिलाफ थाने में एफआईआर होगी। आपने एक जनता के मुख्यमंत्री को 22 करोड़ के मुख्यमंत्री को आप 22 करोड़ के जनता द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री को आप भगेड़ी बता रहे सर नहीं आती आपको यही आपका सरकार है। 12 से 17 तक गुंडों की सरकार थी, गुंडे मुख्यमंत्री आवास से गुंडे सरकार चलाते थे इस प्रदेश को। 12 से 17 अगर माफी नहीं मांगोगे सुबह एफआईआर करूंगा तुम्हारी। तुमने जनता के द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री को भंगेड़ी कहा, एक साधु महात्मा को आपने भंगेड़ी कहा, आपको शर्म नहीं आती? भंगेड़ी आपका औरंगजेब, औरंगजेब भंगेड़ी है आपका। शर्म नहीं आती? आप मुख्यमंत्री के द्वारा आप जनता की चुने हुए मुख्यमंत्री को भाई मर्यादा बनाइए। सरकार है यही सवाल आपने क्यों कहा माफी मांगे सर? आप इसी चैनल पर माफी मांगेंगे वरना बोलने नहीं दूंगा आपको। मैं अभी थाने जाऊंगा। अभी ठंडी नहीं हुई है, जवाब देंगे आप? बताइए, जवाब दीजिए। और मुझे आवाज जवाब दीजिए। आजम खान बाबर मैं तुम्हें जवाब देता हूँ। पहले तुम्हें अपना सबूत वापस लेना पड़ेगा। आप अपनी हैसियत पर रहिएगा। आपने किसको पड़ेगा? आपने किसको भंगेड़ी कहा? समझ आइए अभी आपको सुनना पड़ेगा भाई। कम से कम किसी संवैधानिक पद पर बैठे इंसान के लिए इस तरह बातें करना दोनों तरफ से भंगेड़ी बता रहे हो? दोनों तरफ से संवैधानिक पद पर नहीं रहे, शर्म करिए। बाबर कह रहे हैं शर्म करिए। समाल भाई, समाल भाई, समाल भाई गलत है भाई। आपने गलत है भाई। किसी के लिए तो कोई नहीं, आपको जनता ने निकाल के बाहर कर दिया भाई। समाल भाई इधर भाई, भूल गए गलत है। दोनों के गलत है, दोनों गलत है। अगर आप बाबर होने के मौके भी गलत है और यहाँ पर अगर मुख्यमंत्री भाषा में जवाब दूंगा। आजम खान बाबर ये लोग चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं कि हम इसी शब्दों से हो गया आपको माफी मांगनी पड़ेगी। आपने सम्मानित पहले माफी मांगनी पड़ेगी। भाई आप दोनों को माफी मांगनी चाहिए भाई, इस तरह क्यों? आपको माफी मांगनी पड़ेगी। पहले इनसे माफी मंगवाइए। आपने मुख्यमंत्री पर आरोप आप लोग मर्यादा पार करते जा रहे हैं। ये गलत है, ये इस तरह नहीं, इस तरह नहीं भाई। आप क्या है गंजेड़ी, क्या बाबर, क्या औरंगजेब? डिबेट खराब मत करिए प्लीज। डिबेट को बिगाड़ने का काम किया है जी। आप जवाब दीजिए भाई। सवाल भाई, ये बाबर औरंगजेब गंजेड़ी क्या शब्द है भाई? इस तरह के शब्दों का उपयोग डिबेट में क्यों होता है? गंजेड़ी शब्द किसने कहा? ये शुरुआत किसने की? जिसने भी कहा गलत कहा। ये बताइए गौरव जी, नहीं है ये गौरव जी बताइए, सजा याफ्ता मुलजिम है जी आजम खान? सजा याफ्ता, सजा याफ्ता मुलजिम तब भी उनको बाबर कह रहे, क्या फायदा? आजम खान बाबर है उनकी, योगी आदित्यनाथ फैलाना और खुद अपने मुकदमे वापस लेने का काम किया है। चलो ठीक है, ठीक है। आदरणीय अखिलेश यादव जी की कृपा मानो कि उन्होंने खिलाफ कार्रवाई नहीं की थी। आदरणीय कर रहे हो वरना जेल में सड़के मर गए होते। ठीक है, ठीक है। पवन भाई कुछ बोले भाई, अब आप ही कुछ निष्कर्ष ले पाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर गेमा गेमी हो गई और जितनी भी संवैधानिक भाषा उपयोग होनी थी वो हो गई। बाबर हो गया, औरंगजेब हो गया और यहाँ पर मुख्यमंत्री के लिए इस तरह की शब्दावली समाजवादी का कल्चर है। पवन जी बोलिए, क्या करना चाहेंगे? जो जिसका नेता अपने बड़ों की इज्जत न करे वो उसके उसके कार्यकर्ता का यही हो सकता है। गौरव जी जी, हम लोग जिस पैनल पे बैठे हुए जी, यहाँ पे सभी शिक्षित समाज से, बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम प्रवक्ता के तौर पे बैठे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के हैं, चाहे कांग्रेस जी, बिल्कुल। लेकिन जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ बहुत गलत, समझिएगा ये नहीं होना चाहिए जी, बिल्कुल सही। ये आपको हम केवल 4 लोग नहीं देख रहे हैं, ये करोड़ों अरबों लोग देख रहे हैं और पता नहीं कितने देशों में देख रहे हैं, समझिएगा हमारी बात को। अब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अगर आप करेंगे जी
और उचित तो ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय हैं, देखिए समाजवादी पार्टी के लोग तो अलग है, उनकी पहचान अलग है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बात करें तो उनकी पहचान अलग होती है, लेकिन ऐसा सहाफत भाई की तरफ से ऐसा उचित नहीं है और मुझे लग रहा है कि शुरुआत इन्हीं को करनी चाहिए क्षमा मांग करके। मेरी बात को समझिएगा, ये एक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पहचान है कि वो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं और सांस्कृतिक लोग होते हैं, ये अलग पहचान होता है। तो समाजवादी पार्टी लोग अगर मान लीजिए उन्होंने कह दिया वो जो गलत कहा वो भोगेंगे। आज जिस सब्जेक्ट पे हमारा आपका डिबेट हो रहा है वो अलग हो गया, वो जिस सब्जेक्ट पे हमारा आपका डिबेट हो रहा है उसके मुख्य बिंदु पे हम आपको गौरव जी ले चलते हैं। बिल्कुल, आज मैनपुरी का उपचुनाव जो हम लोग के शाम को लगभग 4:30-5 बजे तक का रिजल्ट हमारे पास आया, जो हम लोगों ने मुआयना किया, पता किया लोगों के बीच से, वहां की स्थिति से हमें लग रहा है कि एन केन प्रकरण समाजवादी पार्टी वहां से विजयी हो रही है। अच्छा, समझिएगा सर जी, वहां से समाजवादी पार्टी निकाल रही है। अब बचे दो सीट, अब दो सीट में हम आते हैं रामपुर में जी। रामपुर में जो आजम खान साहब की वहां की जो गुंडागर्दी कह लीजिए जो भी था, अच्छा ये वहां की पब्लिक, आज हमारे वहां से रिपोर्टर्स हमारे गए थे जो वहां पे निकल के आया, मुस्लिम जो है अभी भाजपा को वोट नहीं दे रहा है, 2%, 4%, 5%, 10% दे रहे हैं, 90% की हिम्मत कमल पे बटन दबाने की नहीं हो पा रही है। तो वहां पे जो हमारे निकल के आया कि वहां के मुस्लिम आजम को या साइकिल को वोट, उनके नाराज थे, आजम से नाराज थे लोग, इसलिए ये हुआ कि वहां वोट हम नहीं देंगे, भाजपा को नहीं देना है, इसलिए हम देने ही नहीं जाएंगे, देने नहीं जाएंगे। ये ऐसे बहुत सारे हमारे पास आए हैं, कम से कम 70 से 75 लोगों की, ये हम आपको लिस्ट और नंबर हम लोग मंगा के लाए। लगता है यार ये कितने वोट है, ये सवर्णों का वोट है, ये सारे भी और हम बता रहे हैं आपको। इसी पे हम आज देखें, आज के दो घटनाएं, दिन भर की दो घटनाएं थी, एक तो हमारे यहाँ सत्र चल रहा था, तो सत्र में आदित्यनाथ योगी जी मुख्यमंत्री जी हमारे संपूर्ण प्रदेश वासियों के मुख्यमंत्री जी, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा है, सबके मुख्यमंत्री हैं, और ऐसे सीट पर अगर कोई विराज है उनके खिलाफ आप शब्द नहीं बोलना, बिल्कुल सही बात है, ये हमारा आपका कर्तव्य बनता जी, है बिल्कुल। तो आज वहां पे सत्र के दौरान जब सत्र की शुरुआत हुई, श्री रेगड़े साहब किया, तो जो आदित्यनाथ योगी जी ने अपने भाषण में 15-20 मिनट जो बोला, उस 15 से 20 मिनट में 10 से 12 मिनट तक केवल माननीय जो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी हैं उनको लेकर के, उनकी क्या पहचान थी, कैसे हम उनको सलाह लेते थे, उनके आत्मा के लिए शांति जो भी थी, ये सब किया गया, एक ही प्रभाव। दूसरा जो आजम जी का वहां पे विद्यालय था बड़ा वाला, ठीक है, वहां के उस समय के आरपी सिंह जी है, इस समय ज्वाइंट डायरेक्टर यहाँ पे हैं अल्पसंख्यक विभाग के, उनके ऊपर कार्रवाई किया, उनको निलंबित किया गया, उनको कार्रवाई किया गया। ये दो संदेश वहां के लिए, रामपुर के लिए बहुत बड़ी संदेश थी, एक चीज। दूसरी चीज है कि रामपुर एन केन प्रकरण जो वहां से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का है, उसको भी हमने रीड किया, पढ़ा, बैकग्राउंड बहुत मजबूत है उसकी, बैकग्राउंड मतलब आम जनता के बीच में उसकी साफ सुथरी छवि जो है वो भी बहुत प्लस पॉइंट है। तो वो लगभग लगभग क्या ये मान के चलिए ज्यादा वोटों से वहां जीत रहे हैं। अच्छा, ये हो गई रामपुर, ठीक। अब हम आपके तीसरे पे आते हैं जी, उसकी स्थिति जीत हार दोनों तरफ हो सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी मजबूत है, चाहे 4,000 वोट से 3,000 वोट से हो या फिर भारतीय जनता पार्टी 10,000-5,000 वोट से हो, ये तीनों का हमारा विश्लेषण जो हमारे वहां का निकला है, ये वहां की स्थिति है। अब एक निवेदन फिर हम कहेंगे भारतीय जनता पार्टी से, प्रवक्ता से, कि आप अपना बड़ा दिल दिखाते हुए, प्रवक्ता नहीं हूं मैं, कार्यकर्ता जो भी है, तो बड़ा दिल दिखाते हुए यही होगा कि आप शुरुआत करिए एक अच्छे, एक साफ सुथरी पैनल का जो है परिचय दीजिए कि हाँ डिबेट जो हो रहा है एकदम साफ सुथरा हो। वो चीजें गई, वो एक समय था जो जंगल राज था उत्तर प्रदेश में, वो पिछले 30 सालों में चाहे समाजवादी पार्टी का, चाहे बसपा का, चाहे बीच में भारतीय जनता पार्टी का भी एक कार्यकाल छोटा सा आया था 6-6 महीने वाला, ठीक है, ये 30 वर्षों का जंगल राज था, इतनी आसानी से नहीं खत्म होगा। आज गांव में आप निकलिए, सड़क मिलते हैं, बिजली मिलते हैं, पानी मिलते हैं, जल मिलता है, आप देखिए विकास हो रहा है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि जादू की छड़ी होगी आदित्यनाथ के पास, मेहनत लगेगा, समय लगेगा, और वो कर रहे हैं जी।
ये सब नहीं बोलना चाहिए। अखिलेश जी तो भी बचपना है उनके अंदर, वो तो केशव प्रसाद मौर्य जी को वो सीएम बनाते हैं, अरे उनको भूल, अभी सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी क्या है, वहां का संगठन क्या है। वो अगर गांव का जो वार्ड होता है, वार्ड मेंबर यानी बूथ अध्यक्ष अगर केशव प्रसाद मौर्य को बना दे तो भारतीय जनता पार्टी वो व्यक्त नहीं छोड़ेगा। अच्छा। क्योंकि वो संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्त है, संगठन से लगाओ। अखिलेश जी को अपने कार्यकर्ताओं पे, अपने लोगों पे उनको फोकस करना चाहिए, उनको जोड़ना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए और जिले जिले जाकर के संगठन को मजबूत करना चाहिए। अपने लोगों पे वो ध्यान दे, ना कि भारतीय जनता पार्टी पे ध्यान दे ना कांग्रेस पे। ठीक है समर भाई, आप कहिए, निर्मल कहिए, चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए जल्दी बोलिए जी, हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने बहुत अच्छा सीटों का विश्लेषण किया। जी मैं अभी आपके बात लेते हैं, बात के ले रहा हूं। और सुन लीजिए समर भाई, बोल रहे हैं एक चीज अपने बड़े भाई से जानना चाहूंगा, वो संवैधानिक पद पर है, उनके लिए मुझे ऐसे के लिए मैं उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर अराजक भाषा का प्रयोग करते हैं और इसी की वजह से माहौल उत्तेजित होता है, क्योंकि ये प्रवक्ता नहीं है, इन्हें डिबेट के कल्चर नहीं पता है। मैं आज आपसे फिर अनुरोध कर रहा हूँ कि जब सफात हुसैन डिबेट में बैठे तो कृपया मुझे मत बुलाइएगा, क्योंकि इनकी वजह से मैं जरूर आऊंगा। अगर आप आएंगे तो मैं जरूर आऊंगा भाई, ये कौन सी बात है भाई, आपने अपनी बाड़ी पे संयम रखिए। आप लोग नेता है, बड़े अनुभवी नेता है, इंदर भाई आप भी पुराने नेता है, सफर भाई आप भी पुराने नेता है। मैं भाई साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बैठे हैं, उन्होंने कहा मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ, मुझे बता दे कौन सा शब्द मैंने इस्तेमाल किया। ये बोल ले या तो मैं बोलूं भाई, आपने अपने अपनी शुरुआत करिए, उसको खत्म करिए, फिर बाकी और जी मैं वरिष्ठ पत्रकार जी से पूछना चाहूँ, मैंने कौन सा अपशब्द किसके लिए इस्तेमाल किया, मैं क्षमा मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन नितेंद्र जी को क्षमा मांगनी पड़ेगी, क्योंकि वो जनता के द्वारा चुने हुए हैं और सम्मानित पद पर हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। चलिए ठीक है, उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया वो शब्द काबिले बर्दाश्त है, और मेरा शब्द बता दिया मैंने कौन सा अभद्र भाषा इस्तेमाल की। भाई आपने यहाँ पर बाबर कहा, औरंगजेब कहा, भाई देखिए वो सबसे बड़ी बात, मैंने किसी नेता के लिए नहीं कहा। अच्छा। उन्होंने मुसलमानों को जब तक वो रहे नेता, उन्होंने मुसलमानों को छला, मुसलमानों को नुकसान किया और मुस्लिम वोट को बेचने का काम किया। अच्छा। आज वो नेता नहीं, सजा याफ्ता मुलजिम है। हाँ। और सजा याफ्ता मुलजिम के बारे में मैंने कहा आजम खान बाबर। अच्छा बाबर जी, क्योंकि उनकी जो सोच है वो बाबर वाली है, आक्रमण करो, हमला करो, आपस में लड़ाओ, आपस में फूट डालो, इसलिए मैंने उनको कहा कि आजम खान बाबर। अच्छा औरंगजेब किसको कह दिया आपने? औरंगजेब उसी की पीढ़ी में चले आइए नीचे। अच्छा पीढ़ी, आज जिसके पास सत्ता है जो कहता है मैं 100 विधायक लाओ मैं मुख्यमंत्री बना दूंगा, अच्छा वो औरंगजेब है। आप बताइए लोकतंत्र का अपमान, आप सोचिए तो जनता के द्वारा चुने हुए विधायकों को वो कह रहा कि आ जाओ 100 विधायक लेके मैं तुम्हें मुख्यमंत्री बना दूंगा। तो आप बांधते, अगर ये चुनाव आयोग का क्या काम है आप बताइए, चुनाव कराएगा कि नहीं कराएगा? विधायक जो चुनकर आते हैं वो अपना नेता सदन चुनेंगे कि नहीं चुनेंगे, वो क्या करेंगे? सफर भाई आप मानते हैं अगर ऐसा कहा तो पीछे ना कहना चाहिए? बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। ठीक है ठीक है, राष्ट्रीय पदाधिकारी हूँ, अपने बूथ का अध्यक्ष हूँ, जिम्मेदारी से काम करता हूँ, बंद कराएंगे और मुस्लिम बहुत। सफर भाई नितिन भाई बोलिए, नितिन भाई बोलिए, जल्दी बोलिए बोलिए। देखिए सफात बोले, मैं कुछ नहीं बोला बीच में जी, अब मुझे एक मिनट बोलने, पहले आप माफी मांगिए जी, पहले आप क्षमा मांगिए, योगी जी सामने आपके स्क्रीन पे है, पहले आप माफी मांगेंगे उसके बाद बोलने दूंगा आपको, पहले आप माफी मांगिए, आप पहले माफी मांगिए। क्या भाई भाई डिबेट में क्या है, क्या मर्यादा है, क्या मर्यादा है, आप माफी मांगे? सफर भाई प्लीज, सफर भाई प्लीज, सफर भाई प्लीज, उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, सफर भाई हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे, अब इसको चुप करा दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, आप पहले माफी मांगे, आपने प्रदेश के, सफर भाई आप मुंह बंद रखिए तब तो बोलेंगे, सफर भाई प्लीज, सफर भाई प्लीज, सब मैं डिबेट छोड़ रहा हूं, डिबेट में मुझे नहीं चाहता हुसैन जी इस डिबेट को खराब, इसे डिबेट करने का तरीका नहीं मालूम, डिबेट को खराब नहीं कर रहा हूं, डिबेट को मैं खराब नहीं कर रहा हूं, एकदम आप खराब को खराब नहीं कर रहे हैं, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है यहां पर, मंत्री को ठीक है, हो गया हो गया, ठीक है, सफर भाई प्लीज, सफर भाई प्लीज, गौरव जी गौरव जी नितेंद्र जी, नाम रखने से वर्चस्व नहीं होता है, नितेंद्र से वर्चस्व होता है, नितेंद्र जी, नितेंद्र जी और हमारे भाजपा के नेता जी, जी आप दोनों की तरफ से हम हाथ जोड़ के माफी मांग लेते हैं, नहीं, आप, ये गलत है, आप पत्रकार है, आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया कि सपा कर सकता, आप नहीं कर सकते, तीनों तीनों बता दिया कि आपने भारतीय जनता पार्टी तीनों सीटें जीतने जा रही है, पवन जी जी
पवन जी आप अच्छे व्यक्ति हैं, मैंने पहले ही माफी मांगी, मैंने कहा कि सफात हुसैन जैसे लोग हमेशा उकसाते हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता था, ये क्रिया की प्रतिक्रिया थी। इसके बावजूद देखिए इन्होंने क्या गलत बोला, इन्होंने अभी आपने जब पूछा, अब देखिए मुझे बोलने दीजिएगा, अगर बीच में बोले तो अच्छी बात नहीं होगी, फिर मैं डिबेट छोड़ दूंगा। अब मुझे गौरव जी एक मिनट बोलने दीजिए। बोलिए भैया बोलिए। और सफात हुसैन तो कहते ये बोलेंगे नहीं मेरे बीच में। अमर बोलिए बोलिए बोलिए। अब मैंने एक बात कही कि मैंने पहले पहले ही कहा इनके बोलने से पहले कि सफात हुसैन ने चूंकि इस बात की प्रतिक्रिया की, अब शब्दों का इस्तेमाल हमारे भी नेता के लिए किया, जिसकी वजह से क्रिया की प्रतिक्रिया करनी पड़ती राजनीति में, जबकि माननीय योगी आदित्यनाथ जी आज मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर भी 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज रहे हैं। एक बार दूसरा, इसके बाद जब आपने पूछा औरंगजेब किसके लिए कहा, तो इन्होंने कितनी गंदी भाषा में कहा उसके लिए, वो कौन है, वो भी संवैधानिक पद पर है, नेता विरोधी दल है आदरणीय अखिलेश यादव, और उनके लिए इन्होंने अभी अपशब्द कहा औरंगजेब, इसके लिए माफी मांगे, वरना मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए फिर ऐसे ऐसे शब्दों का अलंकारों का प्रयोग करूंगा कि ये समझ जाएंगे। इनके यहाँ भी तड़ी पार जैसे लोग रहे हैं, इसलिए पहले ये आदरणीय अखिलेश यादव के लिए किए गए शब्दों के लिए माफी मांगे, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए उपयोग किए गए शब्द के लिए माफी मांगता हूँ। सार्वजनिक रूप से कहता हूँ कि वो गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इनके जैसे लोग जब क्रिया करेंगे तो प्रक्रिया ऐसी होगी, भविष्य में नहीं होगा। ठीक है ठीक है, और इनको माफी मांगनी चाहिए, आदरणीय अखिलेश यादव भी संवैधानिक पद पर है, नेता विरोधी दल है, उन्हें इन्होंने औरंगजेब कहा, माफी मांगे, वरना फिर मेरी जो दूसरी प्रतिक्रिया आएगी वो बर्दाश्त करने लायक नहीं होगी। बोले बोले, दूसरी प्रतिक्रिया भी दे दीजिए, बाद में माफी मांग लेंगे, दीजिए, देखें कितना गिर सकते हैं भाई। फिर आप भाई भाई चीज कर रहे हैं भाई, देखें कितना स्तर गिराएंगे आप भाई, क्या स्तर गिराएंगे, बचा क्या है, कुछ नहीं बचा दिया भाई, स्तर तो स्तर गिरा रहे, देखिए इन्होंने अपना स्तर दिखा दिया है जी। सवाल भाई गौरव जी, और अभी भी इनके मुंह में गौरव जी ये बताइए, हम लोग के बीच में नितिन जी, नितिन जी हम लोग के बीच में कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, चैलेंज कर रहा हूं और ये बताइए कि आप जो है उपचुनाव में कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, उपचुनाव में क्यों नहीं आए, क्या जनता से डरते हैं, संगठन नहीं मजबूत है, क्या डर है, तो छोटी चुनाव नहीं लड़ते हम, छोटी चुनाव नहीं लड़ते हैं, नहीं छोटी ऐसा नहीं, मैंने मैंने पहले ही पूरी बात बता दी कि पहला तो एक नेताजी के सम्मान में हम लोगों ने मैनपुरी के सम्मान में, ये तो नहीं होता कि चुनाव ना लड़िए, ये तो गठजोड़ होता है, ये बताइए डिबेट आप चला रहे हैं, मुझे जवाब एंकर महोदय को देना तो देने दीजिए, आपने पूछा सवाल जवाब दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए, पहली चीज तो ये है कि नेताजी के सम्मान में हम मैनपुरी की सीट नहीं ले रहे, दूसरी बात हम इस बात से तनिक भी परहेज नहीं करते हैं कि अभी पिछला चुनाव जिस प्रकार से हम हारे हैं, अभी हमारे नए नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, और हम संगठन को और मजबूती के तौर पे अंदरूनी तौर पे मजबूत करके चुनाव में आगे आने वाले चुनाव में लड़ने के लिए तैयार, जिसमें नगर निकाय चुनाव हमारी पहली पायदान होगी, यहाँ से हम लोग अपने फिर से नए सफर का आगाज उत्तर प्रदेश में करना शुरू कर देंगे। अच्छा। यह मैं स्पष्ट तौर पे आपको बता चुका हूँ, इसके अलावा कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, उसका जवाब दे दूंगा। नहीं आप जिसे ये तो कोई बात नहीं हुई कि 2024 नहीं लड़ेंगे, 24 के बाद 2024 का आपसे बोला नहीं, कि नहीं लड़ेंगे, नहीं नहीं अभी आपने कहा छोटे चुनाव है, चुनाव लोकसभा का उपचुनाव, फिर से मेरी बात को सुनिएगा, आप लोग ध्यान से मेरी बात नहीं सुने, मैंने बताया कि पिछला चुनाव हम हारे हैं, अभी कुछ दिन पहले हार जीत तो लगी रहती है, आपको मैदान में आना चाहिए, लोग भूल जाएंगे, कैसे भूल जवाब चुके नहीं चाहिए, मैं समझ गया आपको जवाब नहीं चाहिए, मैं भैया हम आपके शुभचिंतक हैं, एंकर महोदय आप अगला प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, खैर मैं पहले एक सुझाव, मैं छोटा भाई होने के नाते अपने भाजपा और सपा दोनों के नेताओं को और प्रवक्ता महोदय को एक सुझाव देना चाहूंगा कि डिबेट है, इसमें हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी के एक नेता हमारे राजीव त्यागी जी को डिबेट में ही बहस करने में और इसी तीखी तल्ख नोक झोंक में खो दिया है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसी डिबेट करें जिसमें किसी का बीपी हाई हो या किसी को समस्या हो, इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, ऐसी डिबेट मत करिए, डिबेट करिए, आइए उसका सवाल और जवाब करिए, जवाब देंगे हम भी देंगे और आप भी दीजिए, स्वस्थ माहौल में जवाब दीजिए, स्वस्थ तरीके से जवाब दीजिए, हमारी भारतीय राजनीति विश्व की सबसे बड़ा लोकतंत्र है भाई, और यहाँ पर उसकी संस्कृति को उसकी सूचना को बनाए रखना है और उसी हिसाब से स्वस्थता हिसाब से जवाब देना है, स्वस्थ जवाब देना है, लड़ना नहीं है, और कम से कम ऐसे संवैधानिक शब्दों का उपयोग बाबर औरंगजेब और गजेड़ी, मेरे ख्याल से इस तरह के शब्द नहीं, गौरव भाई जी मैंने राजनीतिक शुचिता का परिचय देते हुए मैंने अपने शब्द वापस लिए, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो बता रहे हैं अपने आप को, उन्होंने अपना शब्द वापस नहीं लिया है, इनको बोलिए कि अपना शब्द वापस लें।
समर भाई ले लीजिए भाई, दर्द उनका भी कम हो जाए। मैं एक बात कहना चाहूंगा, बोल लीजिए। आजम खां उत्तर प्रदेश में जी मुसलमानों के नेता कहलाते थे। ठीक, कहलाते थे, कहलाते हैं, कहलाते थे, अच्छा थे, अच्छा। और हमारे यहाँ जो मदरसा बोर्ड है हाँ। उसमें कोपसे का रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो वहाँ से डिग्री मिलती है वो फर्जी होती है, उसकी कहीं वैल्यू नहीं है। दोबारा आलिम मौलिम की जो है डिग्री मिलती है कोपसे में, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। मुस्लिम नेता रहे जो बेचारे बच्चे पढ़ के जाते हैं वो दिल्ली वगैरह की यूनिवर्सिटी में अगर विदेश जाना चाहें तो वो उस डिग्री पे नहीं जा सकते। जी। कोपसे में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, आजम खान जिम्मेदार, क्योंकि ये ठेकेदार थे मुसलमानों के। फिर भाई भाई ठेकेदार, हाँ सुनिए सुनिए सुनिए। और आपको मैं बता दूं, जो मदरसों में अभी जांच हुई है वो ये लोग बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जांच करा रही है। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा मोहनलालगंज में एक घटना हो गई थी, एक मदरसे में एक मौलवी ने एक छोटे से बच्चे को जंजीरों में बांध के उसको बहुत मारा, उसको संज्ञान लिया बाल संरक्षण आयोग ने। और बाल संरक्षण आयोग का ये नियम है कि साल भर जितनी भी FIR वो करते हैं उनकी रिपोर्ट वो दिल्ली को भेजते हैं, दिल्ली बाल संरक्षण आयोग को। दिल्ली बाल संरक्षण आयोग ने उस वहां से चिट्ठी लिखी यहाँ के मुख्यमंत्री जी को कि इस पर जांच कराई जाए और ऐसे मदरसों को चिन्हित किया जाए। मदरसों की जब जांच आई उसमें 8500 मदरसे ऐसे आए हैं जो अनऑथराइज चल रहे हैं और उसकी जांच हो रही है। तो जो हमारे ठेकेदार थे उनकी वजह से हम मुसलमानों का सबसे बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि मैं भाजपा का प्रवक्ता बाद में पहले मुस्लिम समाज में हूँ। ये मेरी पीड़ा नहीं है, ये हमारे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की, 6 करोड़ मुसलमानों की पीड़ा है कि आदम खान जैसे नेताओं ने मुसलमानों का सिर्फ नुकसान किया है उत्तर प्रदेश के अंदर। भाई नुकसान बोला ठीक है, वो बोल सकते हैं, और यहाँ पर बाबर औरंगजेब बोले, समर भाई वोट बैंक के नाम पर इस्तेमाल, समर भाई यहाँ पर अगर बोले वो शब्दों को वापस दीजिए, चर्चा खत्म करना। बाबर तो इनके वो है, वंशज है इन लोगों के। फिर भाई वाली बात आप बताइए तो क्या गलत कर दिया? लोग कहते हैं आजम का अपने बयान में कहते हैं कि मैंने 800 साल हुकूमत की मुसलमानों ने, तो मुसलमानों ने हुकूमत की, ये बताए पहले आजम का जवाब दे कि वो आक्रमणकारियों के वंशज हैं या भारत की जनता के वंशज हैं। मुझे बताएं, भारत में रहते भारत के वंशज हैं, मुझे जवाब दे। सफात हुसैन, अरे भाई साहब, भाई साहब मुझे बताइए, आजम खान कहते हैं कि मुसलमानों ने 800 साल हुकूमत की, 800 साल इस देश में आक्रमणकारियों ने हुकूमत की, मुगलों ने हुकूमत की, जो मुगल मुसलमान नहीं थे, मंगोल थे, वो मुसलमान नहीं थे, मुसलमानों के नाम पर बेवकूफ बनाया गया। आप क्या समझते हैं? आप आजम खान से कहिए कि वो मुगलों के वंशज हैं या भारत की जो जनता है, भारत में रहने वाले उनके वंशज हैं, इसका जवाब दें उसको। मैं माफी नहीं, मैं सड़क के चौराहे पर रामपुर में जाकर के माफी मांगूंगा और उनके पैर पकड़ के माफी मांगूंगा, लेकिन आजम खान आज बयान दें कि वो मुगलों के वंशज हैं या नहीं। मुसलमानों अगर ये कहते हैं कि मुसलमानों ने 8 साल हुकूमत की तो ये गलत कहते हैं। मैं उनको आजम खान बाबर कहूंगा। विरोधी दल हैं उनको आपने औरंगजेब कहा है माफी मांगो, माफी मांगो। आप पहले जवाब दिलवाइए आजम खान से, आजम खान से जवाब दिलवाइए। 800 साल जो उन्होंने बयान दिए हैं अपने पिछले रिकॉर्डिंग उठा करके देख लीजिए। समान भाई, 800 साल मुसलमानों ने, समान भाई, समान भाई, रामपुर की सभा में उन्होंने कहा योगी जी इतिहास पढ़िए, योगी जी इतिहास पढ़िए का नारा उन्होंने दिया। इतिहास क्या उन्होंने पढ़ा है कि मुगल कौन थे? मुगल आक्रमणकारी थे। अगर यहाँ के जो राजा थे वो राणा प्रताप जी थे, शिवाजी थे, अगर ये उनके वंशज हैं तो जवाब दें। मैं उनका वंशज हूँ, मैं भारत में रहता हूँ, कन्वर्टेड मुसलमान हूँ। चल ठीक है समाज भाई, पर यहाँ पर जिस तरह औरंगजेब कहा उसके लिए तो भाई आप क्षमा बोल लीजिए भाई, नितिन भाई का भी दर्द हल्का हो जाएगा, वो देखिए वहाँ दर्द में बैठे हुए। बताइए भाई, बोल लीजिए भाई, उन्हें तो माफी मांग ली आपकी। नहीं, माफी मांगने का पहले आजम खान इसका बयान दे तो मैं माफी मांग लूं। मैं सार्वजनिक माफी मांगूंगा, चौराहे पे खड़े होकर माफी मांगूंगा। नहीं, माफी मांगने का कोई प्रश्न नहीं है, हमने नहीं कहा। पहले आजम खान बताए, माफी मत मांगो, तुम्हारे जैसे लोग माफी मांग भी नहीं सकते। आप पहले जवाब दीजिए, आजम खान से बयान दिलवाइए, एक अपराधी से बयान दिलवाइए, पहले वो अपराधी बयान दे कि मुगल उसके वंशज हैं या नहीं। मुसलमानों ने जवाब दीजिए कि मुसलमान जो 800 साल मुगलों ने हुकूमत की वो आक्रमणकारी थे या नहीं थे, इसका जवाब दीजिए। चलिए आप बोल दीजिए आजम खान की तरफ से, आप भी सभा के प्रवक्ता हैं, आपकी बात मानी जाएगी। आप बताइए मुगल आक्रमणकारी थे या नहीं थे, आप जवाब दीजिए। हमें सात तड़ी पार, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। अमित शाह तड़ी पार रहे हैं, अमित शाह भारतीय थे, अमित शाह भारतीय थे, मुगलों के वंशज नहीं है, अमित शाह भारतीय है, राष्ट्रवादी है, मुगलों के वंशज नहीं है। आप बताइए, जवाब दीजिए बैठो को, आप बताइए, आप जवाब दीजिए, आजम खान की तरफ से आप जवाब दे दीजिए। मैं माफी मांगूंगा, मुगल आक्रमणकारी थे या नहीं थे, मुगल आक्रमणकारी थे या नहीं थे, बताइए भारतीय जनता पार्टी। आप बताइए, मुझे जवाब दीजिए, मुगल आक्रमणकारी थे या नहीं थे, उतरवाने के लिए आप बताइए।
अगर मुगल आक्रमणकारी थे तो आजम खान ने यह बयान क्यों दिया कि मुसलमानों ने हुकूमत की? मंगोल मुसलमान नहीं थे, मंगोल मुसलमान नहीं थे। ठीक है ठीक है, जवाब दीजिए। ठीक है ठीक है, आजम खान की तरफ से आप मांगे भी मन मांगे। चल ठीक है ठीक है, आश्रम में पाखंड फैलाते हैं। चल ठीक है ठीक है, चल ठीक है, चल ठीक है, चल ठीक है। अरे आप जवाब दे दीजिए। चल ठीक है, आजम खान की तरफ से आप जवाब। हो गया हो गया हो गया, माफी मांग लो। हो गया हो गया हो गया, समय समय कम है, समय कम है। नितेंद्र जी जी, समय कम है, समय कम है। बर्तन भाई जल्दी आपके संस्कार है। मैं मान लेता हूं, चलो बर्तन जल्दी पूरी करें। मुगलों को आक्रमणकारी कहने में शर्म आती है आपकी? नीच मानसिकता है। तुम तो मुगल भी नहीं हो सकते हो, मुसलमान भी नहीं हो सकते हो, क्योंकि मुसलमान वो होता है जिसको इल्म होता है, जिसका ईमान होता है। ना तो तुम्हें इल्म है ना तुम्हारा ईमान है, इसलिए तुम मुसलमान भी नहीं हो सकते हो। अच्छा, ईमान किसे कहते हैं बताएंगे? सब्बात हुसैन को ना इल्म है ना ईमान। अरे ईमान बताइए किसे कहते हैं? भी नहीं है। ईमान किसे कहते हैं बताइए? स्वीकार किया। अरे बताइए, अभी आमिर भाई होते बताते हैं आपको ईमान क्या होता है। आज वो मेरे बीच में नहीं है, अगर वो डिबेट पे होते तो आज आपको बताते हैं ईमान किसे कहते हैं। ठीक है ठीक है, पब्लिक करिए, पवन भाई बात लेता हूँ। देखिए डिबेट शुरू हुई थी चुनाव में और वो डिबेट को किस तरीके से गंदा पर्सनल चली गई, पर्सनल चली गई। इसलिए जी मैं बस यही बस मैं यही कहना चाहूंगा इस डिबेट में, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जाता है डिबेट खराब करने का, क्योंकि चुनाव हार रहा है, इनकी हताशा है। जी बता दीजिए, मुगल आक्रमणकारी थे या मुसलमान थे? आप बोल दीजिए आजम खान की तरफ से, आप प्रवक्ता हो, आपकी बात मान लेंगे हम। बताइए मुगल आक्रमणकारी थे या नहीं थे? मुगल आक्रमणकारी थे या नहीं थे? और सुनो, मुगल आक्रमणकारी थे या नहीं थे? जवाब दीजिए देश। अरे आपकी जबान लड़खड़ा रही है, आप क्या बोलोगे? आप अभी भी आजम खान से डर रहे हो? आवाज चली, आवाज चली। ठीक है, रिकनेक्ट करा दीजिए। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समय भी हो गया है। पवन जी अपनी बात पूरी करिए, नितिन भाई का फोन डिस्कनेक्ट हो गया, उनको जोड़ दीजिए प्लीज, कुछ सेकंड्स बचे हैं। जी आगे की तैयारी करनी चाहिए, नगर निकाय चुनाव आ गया है जी, इन सभी को लगना चाहिए जी। और कोई जरूरी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ही जीतती आएगी, जीतती अच्छा। आएगी। कांग्रेस का भी था, एक शासन था जी, ठीक है। लेकिन कांग्रेस अगर इसी स्तर पे जी ये आराम करेंगे, उन लोगों को सहयोग करेंगे जी, नेताजी को सपोर्ट करेंगे, मतलब भाई, नहीं मेरी बात समझिएगा जी, बिल्कुल थोड़ा सा लग सकता है, बड़ा लगेगा। कांग्रेस फिर ऐसे ही रह जाएगी जी, यही जिसे जो जहां नेता मेहनत कर रहा है तो वहां पर काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, जमीनी स्तर पे संगठन मजबूत करिए और चुनाव में आप आइए, चुनाव में आप आइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश हो या भारत हो, हमारी नजर में ये सब तो आते जाते रहे, ये कहीं सीबीआई कभी ईडी, ये लोग चक्कर आकर चले जाएंगे, समझिएगा। ये सब होने वाला है, ये सब होने वाले, सुनिए, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, ये सब ईडी और सीबीआई चक्कर में, क्योंकि ये लोगों का मकसद कुछ नहीं होता। दो ही राष्ट्रीय पार्टी हमारे नजर में है, चाहे भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो, इन दोनों को मेहनत करना चाहिए। और जो देश के लिए बड़े सपने होते हैं, बड़े सपने के साथ आते हैं और करते हैं, राज भी करते हैं, जनता के लिए कुछ करते हैं, बाकी तो सब अपने लिए करते हैं भाई, अपने लिए। देखा आपने शिवपाल जी ने क्या किया, कहां से घूम रहे हैं, कहां जा रहे हैं, फिर अभी देखिए दो दिन बाद क्या हो रहा है। अच्छा, दो दिन बाद फिर देखिएगा क्या फिर लग जाएंगे। बस चुनाव का रिजल्ट आने दीजिए, चुनाव का रिजल्ट आने दीजिए, वो अखिलेश यादव है, किनारे कर देंगे फिर, कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा ठीक है ठीक है, जल्दी बात करें नितिन भाई। देखिए भारत देश का जो सबसे बड़ा नेता है वो आज के समय में सड़कों पर है, हमारा नेता शेर है और हम लोग शेर की तरह दो कदम पीछे लेकर के आगे, दो कदम पीछे लेकर के आगे पीछे लेके आगे चौबीस में है। ठीक चले ठीक है, तो आने वाले समय में आपको कांग्रेस की तरफ से परिणाम अच्छा देखने को मिलेगा और भारत को जोड़ कर रहेंगे। धन्यवाद नितिन भाई, जल्दी बात पूरी करिए। नितिन भाई क्या कह रहे थे? नितिन भाई जल्दी बोलिए। इन्होंने बात की, उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ, शांति से सुनेंगे, इनका क्या अनुवर्तन होगा। इस देश में मुगल भी आए, मंगोल भी आए, या सारे लोग जो आक्रांता आए, मुगल और मंगोल में क्या फर्क है? मुगल और मंगोल में क्या फर्क है यार? अरे मुगल और मंगोल में फर्क बताइए, आपको जो मुगल और मंगोल में फर्क नहीं मालूम? बदतमीज आदमी भाई, गौरव जी मैं हाथ जोड़ता हूँ, दोबारा इसके साथ मुझे मत बैठाइएगा, मैं इसके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं दे सकता, ये आदमी रिस्पेक्ट लायक है ही नहीं। मुगल और मंगोल मुझे भी हंसी आ गई। ये भारतीय जनता पार्टी के गधे लोग होते हैं जो दूसरों को बोलने नहीं देना चाहते। मैं छोड़ रहा हूँ, मंगोल में फर्क बता दीजिए आप, मुगल और मंगोल में फर्क। फिलहाल इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पर यहाँ पर जो मुद्दा रहा वो मुद्दा ऐसा था कि उपचुनाव पे था कि मैनपुरी, खतौली और रामपुर तीनों जगह यहाँ पर वोटिंग हुई। हालांकि रामपुर में वोटिंग कम हुई और रामपुर में क्या स्थिति होगी वो तो आने वाला 8 दिसंबर बताएगा। परिणाम क्या होंगे, मैनपुरी में कमल खिलेगा या साइकिल दोबारा यहां पर सड़कों पर चलती नजर आएगी वो आने वाला वक्त बताएगा। पर निश्चित रूप से आज जिस तरह से गहमा गहमी हुई और असंवैधानिक शब्दों का उपयोग हुआ कहीं ना कहीं वो गलत है। कहते हैं ना, जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का सिकवा कौन करे, और जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे। बात एक बार निकल जाती है, बात वापस लौट के नहीं आती है, और बात जब निकलती है तो केवल शब्दों से नहीं
बल्कि हृदय को भेदती है, कान से जाती है हृदय को भेदती है, और ऐसी शब्दावली का उपयोग हमारी भारतीय राजनीति में नहीं होना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, आप घमासान कर सकते हैं, आप विपक्ष है, विपक्ष की भूमिका में आप यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है और जो आपकी भूमिका है वो आपको लोकतंत्र उसके लिए आपको बनाता है और इसी विपक्ष की भूमिका बैठाता है, पर इस भूमिका में असंवैधानिक शब्दों का उपयोग कतई बर्दाश्त नहीं है, न भारतीय राजनीति में, न भारतीय लोकतंत्र में, और न यहाँ की किसी भी ऐसी वैचारिक चर्चा में। बात होती रहती, चुनाव आते रहते हैं, पर यहाँ पर हमको अपनी वाणी पर संयम रखना पड़ेगा और किसी भी संवैधानिक शब्दों पदों पर बैठे लोगों के लिए इस तरह के शब्दों का उपयोग करने से बचना होगा, क्योंकि केवल अगर शब्द ही देखेंगे तो शब्द ही यहाँ पर जोड़ते हैं और शब्द ही तोड़ते हैं। शब्दों का यहाँ पर बहुत बड़ा एक योगदान है, शब्दों से आदमी जुड़ता चला जाता है और शब्दों से यहाँ टूटता भी चला जाता है। तो आज महत्वपूर्ण मुद्दे पर सभी लोगों का धन्यवाद और नमस्कार।